आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे अपने फेसबुक की पासवर्ड को चेंज किया जाता है। अगर आपने कभी भी पिछले समय में अपने फेसबुक को अगर किसी मोबाइल में लॉगिन किया होगा या फिर अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल या फिर किसी कंप्यूटर में अगर आपने लॉगिन किया है तो इस जगह पर अपने फेसबुक की पासवर्ड को आपको जरूर से चेंज कर लेना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आपने किसी दूसरे मोबाइल या फिर किसी कंप्यूटर में अपने फेसबुक को कभी भी लॉगिन किया होगा तो उस जगह पर आपका फेसबुक की लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाता है। एंड इस केस में अगर वो पर्सन चाहे जिसका कंप्यूटर वो आपके फेसबुक को लॉगिन कर सकता है ना, आपके सारे सीक्रेट मैसेज को रीड कर सकता है, तो इस जगह पर आपको अपने फेसबुक की पासवर्ड को जरूर से चेंज कर लेना चाहिए ताकि उसके मोबाइल से वो अपने आप जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो अपने आप लॉग आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहिए। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, मैं तो कहता हूँ आपको हर सप्ताह या फिर महीना में अपने पासवर्ड को जरूर से चेंज करते रहना चाहिए। इससे आपका फेसबुक जो है काफ़ी अच्छा सिक्योर रहेगा एंड आपका पासवर्ड हमेशा सेव रहेगा। ठीक है, कई बार आपका पासवर्ड लीक हो जाता है, आपका मैसेज कोई पढ़ते रहता है एंड आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका फेसबुक कहाँ कहाँ लॉगिन है। तो देखो, उसे करने के लिए सिंपली आपको थ्री डॉट में आ जाना है। थ्री डॉट में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको जो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है बस सेटिंग में इस तरीके से क्लिक करना। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे सेटिंग ओपन हो जाता है, बट हमें यहाँ पर जाना होगा जो सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है बस इसमें। तो यहाँ पर देख पा रहे हो सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आपको सिंपली टैप कर देना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन हमें मिलता है बस सिंपली इसमें क्लिक करना। एंड यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो करेंट पासवर्ड है वो आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना करेंट पासवर्ड याद नहीं है तो इस वाले वीडियो में क्लिक करके आप देख सकते हो, जो एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो से आप पता कर सकते हो कि आपका जो करेंट पासवर्ड क्या है। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपका जो मोबाइल की फेसबुक की करेंट पासवर्ड वो आपका मोबाइल खुद सिक्योर रखता है, कहाँ से उसे निकालना होता है वो इस वाले वीडियो में मैंने बता रखा था, आप क्लिक करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करते हैं चेंज करने के लिए पासवर्ड, तो यहाँ पर देखो आपको जो करेंट पासवर्ड है वो डालना होगा। देन यहाँ पर आपको जो न्यू पासवर्ड आप जो डालोगे बनाओगे वो आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको रिटाइप उसे कर देना होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको कि आप अपर केस लोअर केस और जो स्पेशल करेक्टर उसे इस्तेमाल करके अपने जो पासवर्ड बनाए तो वो पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं पासवर्ड एंटर कर दिया हूँ, जो करेंट पासवर्ड है, जो मुझे न्यू पासवर्ड चाहिए वो भी मैंने एंटर कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली जो सेव चेंज का ऑप्शन मिलता है वो कर देना है। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ, जो कि रिव्यू अदर डिवाइसेज। देखो इस वाले ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज खुलकर आता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देख पा रहे हो, इसमें आपको टैप करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि आपका मोबाइल कहाँ कहाँ लॉगिन हुआ है एंड कब कब लॉगिन हुआ है, कंप्लीटली आपके सामने यहाँ पर पूरी लिस्ट एंड पूरे डेटा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका मोबाइल कहाँ कहाँ खुला हुआ है आपकी फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो लॉग आउट फॉर ऑल सीजन कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपका सब कुछ लॉग आउट हो जाने वाला है। जिस भी कंप्यूटर में अगर आपका फेसबुक लॉगिन होगा या जिस मोबाइल में लॉगिन होगा, तो यहाँ से अगर आप लॉग आउट फॉर ऑल सीजन करते हो तो सब कुछ लॉग आउट हो जाएगा सब जगह। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपने कहीं भी अपना लॉगिन किया होगा फेसबुक, तो इसे कर देना। बाकी यहाँ पर स्टे लॉगिन जो ऑप्शन मिलता है इसमें आपको टैप करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। बस आपका जो यहाँ पर फेसबुक की पासवर्ड है वो सिंपली चेंज हो जाता है। देख पा रहे हो इस तरीके का आपको एक मेल भी रिसीव होगा, तो आपका यहां पर पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। बाकी अपने करेंट पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो इस वाले वीडियो में क्लिक करके देखो, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी मजा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।